हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल केटीसी एक्सप्लोरर। स्वागत है आप सभी का नए और फ्रेश व्लॉग में। इस व्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आप सभी के साथ मिलकर लोटस टेंपल। वीडियो काफ़ी छोटी बनने वाली है और हमें बात करनी बहुत लंबी, तो ऐसा करेंगे हम आपको बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी नॉलेज पार्क टू ग्रेटर नोएडा से और हमें जाना है नेहरू प्लेस जहां यह उपासना स्थल स्थित। चलिए चलते चलते बात करते हैं कि यह एक ऐसा अनूठा मंदिर है, मूर्ति ही नहीं और न ही किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम होता है। इसके विपरीत यहां विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। भारत के लोगों के लिए कमल का फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक होने के साथ ईश्वर के अवतार का संकेत चिन्ह भी है। यह फूल कीचड़ में फैलने के बावजूद पवित्र तथा स्वच्छ रहना सिखाता है। साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि ऐसे धार्मिक प्रतिस्पर्धा और भौतिक पूर्वग्रह के अंदर भी रहकर कोई व्यक्ति इन सब बातों से अनासक्त रह सकता है। लोटस टेंपल में डेली देश और विदेशों से लगभग 8 से 10 हजार पर्यटक आते हैं और यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए सहायक है। मंदिर का उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 को हुआ लेकिन आम जनता के लिए यह मंदिर 1 जनवरी 1987 को खोला गया। इसकी कमल जैसी आकृति के कारण इसे कमल मंदिर या लोटस टेंपल के नाम से ही पुकारा जाता है। बहाई उपासना मंदिर उन मंदिरों में से एक है जो गौरव शांति एवं उत्कृष्ट वातावरण को ज्योतिर्मय करता है, जो किसी भी श्रद्धालु को आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए अति आवश्यक है। मंदिर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत घास के मैदान, सफेद विशाल भवन, ऊंचे गुंबद वाला प्रार्थनागार और प्रतिमाओं के बिना मंदिर से आकर्षित होकर हजारों लोग यहां मात्र दर्शक की भांति ही नहीं बल्कि प्रार्थना एवं ध्यान करने तथा निर्धारित समय होने पर होने वाली प्रार्थना सभा में भी भाग लेने आते हैं। यहाँ विशेष प्रार्थना हर घंटे पर 5 मिनट के लिए आयोजित की जाती है। यहाँ लोटस टेंपल के चारों तरफ 9 बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं। यहाँ गर्मियों में सूचना केंद्र सुबह 7:30 बजे खुलता है जो शाम को 6:30 बजे बंद होता है, जबकि सर्दियों में इनका समय सुबह 10 से 5 होता है। इतना ही नहीं, लोग उपासना मंदिर के पुस्तकालय में बैठकर धर्म की किताबें भी पढ़ते हैं और उन पर शोध भी करने आते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रही है हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक करें और वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।